सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रोनिक रीनल फेल्योर डिसीज़ पैथोफिजियोलॉजी एंड सिरेमन. सो टुडे वी स्टार्टिंग अ न्यू पॉइंट, न्यू हेडिंग इंट्रोडक्शंस. क्रोनिक रीनल फेल्योर इज अ कंडीशन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन द किडनी एबिलिटी टू फिल्टर बेस्ड इन फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड. It is a chronic meaning that the condition develops over a long period of time and it is not reversible. This condition is also commonly known as chronic kidney disease. Okay, so that's mean the chronic renal failure is condition involving a decrease in the kidney. Okay, kidney jo hoti hai, decrease in ability to filter waste and fluid from the blood. ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है उसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एबिलिटी नहीं हो पाती फिल्टर करने के लिए. ठीक है, और ना ही वो फ्लूइड जो होता है वेस्ट फ्लूइड वो ब्लड से क्या होता है बाहर नहीं हो पाता है. ठीक है, मतलब इनएबल हो जाती है किडनी. ओके, इट इज़ अ क्रोनिक मीनिंग दैट द कंडीशन डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल. ओके, सो कहने का ये मतलब है कि ये जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है क्रोनिक. ठीक है, और वापस से ये रिवर्सिबल नहीं हो पाता है. दिस कंडीशन इज नोन एज कमनली क्रोनिक किडनी डिसीज, CKD. ओके, तो दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन. नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस हेयर होल बॉडी सिम्टम्स ऑफ the disease, whole body fatigue, high blood pressure, loss of appetite, lazy, malice, water electrolyte imbalance. ठीक है, तो मतलब कि fatigue, high blood pressure, appetite, loss of appetite, water electrolyte imbalance होना, also common kidney damage, abnormal heart rhythm, failure, है ना, फ्लूइड इन लंग्स में पहुंच जाना, फ्लूइड, ठीक है, किडनी का फेल हो जाना और किडनी डैमेज हो जाना, हार्ट रिदम जो है एबनॉर्मल हो जाना, इनसफिशियंट यूरिन प्रोडक्शन. ठीक है, यूरिन जो प्रोडक्शन होता है वो इनसफिशियंट हो जाना. ठीक है, मतलब सफिशियंट यूरिन प्रोडक्शन ना हो पाना, ईचिंग, किडनी फेल्यूर, सीवियर अन इंटेंशनल वेट लॉस एंड स्वेलिंग. ठीक है, दीज आर बेसिंग सम सिम्टम्स टू इंक्लूड दिस क्रोनिक रीनल फेल्यूर डिसीज. नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोसिस, किडनी फंक्शन टेस्ट टू लुक फॉर द लेबल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज क्रिएटिनिन एंड यूरिया इन योर ब्लड. ठीक है, यूरिन टेस्ट, एनालाइजिंग अ सैंपल ऑफ योर यूरिन मे रिवील एबनॉर्मलिटी दैट पॉइंट टू क्रोनिक किडनी फेल्यूर एंड हेल्प आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज. ओके, इट मीन्स दैट कि कहने का ये मतलब है कि हम डायग्नोज कैसे करेंगे, तो किडनी फंक्शंस टेस्ट लुक फॉर द लेबल ऑफ बेस प्रोडक्ट. ठीक है, किडनी फंक्शन को टेस्ट करेंगे हम, लेबल करेंगे जो बेस प्रोडक्ट है सच एज जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, है ना, इन ब्लड में, तो हम यूरिन टेस्ट करेंगे फॉर एनालाइजिंग अ सैंपल ऑफ यूरिन मे रिवील एबनॉर्मलिटी दैट पॉइंट ऑफ क्रॉनिक किडनी फेल्यूर एंड हेल्प आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज. ठीक है, मतलब कि हम यूरिन टेस्ट करेंगे उसमें देखेंगे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है यदि बॉडी में है तो फिर हम उसके थ्रू, हम सैंपल के थ्रू उस एबनॉर्मलिटी को पॉइंट आउट करेंगे और हाईलाइट करके उसको चेकआउट करेंगे. ठीक है, इसके बाद क्रॉनिक किडनी फेल्यूर एंड हेल्प आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज़. ठीक है, और किडनी फेल्यूर उससे पता चल जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन में या ब्लड में आपके है, मतलब कि वो पास आउट नहीं हो रहा, तो डेट्स मीन की यार किडनी इज समटाइम योर किडनी इज डैमेज. ओके, सो आइडेंटिफाई थ्रू अ यूरिन टेस्ट. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट. These might mean needing a transplant or dialysis sooner. There are many different tablets. ठीक है, या तो dialysis कर सकते हैं या transplant कर सकते हैं. ठीक है, kidney को. And different tablets are available. Some of most common ones prescribed for kidney patients are called doxazosin, atenolol, ramipril and lirbesertan. ठीक है, रिड्यूसिंग योर ब्लड प्रेशर विल नॉट मेक योर फील बेटर इन द शॉर्ट टर्म. ठीक है, यदि आप फील अच्छा बेटर नहीं कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आप रिड्यूस नहीं हो पा रहा आपका ब्लड प्रेशर, तो फिर यदि आपको किडनी डैमेज जैसी कंडीशंस हैं तो या तो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या डायलिसिस करवा सकते हैं, या फिर सम अदर मेडिकेशन टैबलेट्स भी ले सकते हैं, आल्सो नॉन एज डॉक्साजोसिन, एटिनोलॉल, रेमिप्रिल, है ना, लुबरसर्टेन होगी. ओके, सो दीज आर बेसिक सम ड्रग्स फॉर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर डिसीज.